खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया प्रगट कै मूर्त हरगोबिंद सवारी। मेरी पीर दे मालक धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा करके तरस करके अपने पावन दरबार पावन तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी दे सेवादार की सेवा सौंपना की है। दास समुचे ही खालसा पंथ का तह दिलों धनवादी है और ऋणी है जिन्होंने सतगुरों के पावन स्थान की पावन तख्त की सेवा सौंपी है। समुचे खालसा पंथ का दास वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी संभव यत्न होया उस समुचे पंथ को एक करने वास्ते किया जाऊगा, क्योंकि जो पंथ धड़िया में वंडिया होया भावें कि पहले समय के मिसल काल वेले भी पंथ जिहड़ा सी मिसलां विच जथेबंदियां विच वंडिया होया सी, पर जिथे अकीदे की गल है अकीदा सब का एक है और सारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मत्था टेकते हैं। समुचे खालसा पंथ को श्री अकाल तख्त साहब जी के प्लेटफार्म से एकत्र करने का जो यत्न है वो किया जाएगा। एक सवाल पूछो, देखो इस सारे कुछ का हल जिहड़ा है वह है धर्म प्रचार। धर्म प्रचार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला भी बहुत यत्न किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। धर्म प्रचार की लहर में अमृत संचार जिहड़े ने वो होर लहर में प्रचंड किया जाऊगा, तो साड़िया बहुत सारिया चुनौतियां जिहड़ियां ने हल हो जाएगी। सारा कुछ धर्म प्रचार करन दे नाल धर्म परिवर्तन भी जिहड़ा हो रहा है वह भी उहदे विच काफ़ी वड्डी ग्रोथ जिहड़ी है वह आएगी। देखते हैं सत सिंह ने सलाह करके बड़ी एक मंदभागी गल है कि विधानसभा वर्गा जिहड़ा पवित्र प्लेटफार्म है उत्थे अपना किसी के दाढ़ी का मजाक उड़ाउणा या किसी के जो है ये बहुत वड्डी जो मजाक उड़ाया गया बहुत माड़ी गल है। मुख्यमंत्री वालों जो उड़ाया गया बहुत माड़ी गल है। सलाह करा सत सिंह साहबाना सलाह करके जो अगला जो विचार होगा फिर करा। नहीं पत तलब नहीं हो सकता। सिंह साहब भाई ध्यान सिंह मंड ने एक चिट्ठी दी सी कि बाकी एकता दे नालों असी सिंह साहबान पहला एकता कर स्वागत है भाई ध्यान सिंह जी मंड होर चिट्ठी मैं हूँ तक अजे पढ़ी नहीं है। मैनू भी पता लगा सोशल मीडिया के राही अखबारों के राही कि उन्होंने एकत्र होने की जिहड़ी जो पहलकदमी की है वह स्वागत है और इस कदम अगे वधाया जाएगा। श्री अकाल तख्त साहब जी तो पांच सिंह साहबान का आदेश होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ये उडीक करनी बनती सी, ये बावजूद भी जो विधानसभा के जोड़ा एक्ट है वो पास किया गया ये मंदभाग है। व्यक्ति साढ़े वास्ते चुनौती बने हुए हैं वो बार बार अकाल तख्त साहब की मर्यादा के उत्ते किंतु करते हैं, बार बार अकाल तख्त साहब के उ अकाल तख्त साहब को सधारण खड़ा दस के भी गल्ला करते हैं, उन्होंने पंथ की मुख्यधारा में शामिल करने जानू सुचेत करने वास्ते की किया गया उन्होंने की क्या है देखा जाऊगा। वो बाद जो भी साथी साथी सिंह साहबान के नाल सलाह मशवरा होगा, जो भी समय के नजात में देखता हो जो भी हो सकता होगा उन्होंने हल करने का यत्न किया जाएगा। देखो सानू सारयां नू सचेत होने की लोड़ है जो कुछ पंजाब सरकार वालों किया जा रहा है लगता है कि वह दिन दूर नहीं जो पंजाब सरकार जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब के अंदर ही तोड़न का यत्न करेगी। इस करके सानू सारयां इस गल तो सचेत होने की लड़ है और कुर्बानियों के नाल बनी हुई इस जथेबंदी को बचाने की लड़ है। विचार करा देखते हैं बस कोई टाइम दी देख के जो समा मिले सब ने सलाह करके जल्दी ही मीटिंग बुलावे। देखो बंदी सिंघां ते रिहाई एक बहुत वड्डा पूरी कौम का मसला और पूरी कौम सुविधा के नाल यतनशील है। श्रोमणी कमेटी वालों भी प्रोफार्मे साइन करवाए गए हैं और एक बंदी सिंह रिहाई मोर्चा भी मोहाली में लगा हुआ है।
समुचियां सरकारों नूं सेंटर सरकार नूं भी पंजाब सरकार नूं भी चाहिए कि जो सजावां पूरियां कर चुके सिख बंदी ने कैदां दे विच ने बत्ती बत्ती तेती 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 साल की जिहड़ी सज़ा है वो जेलों में कट चुके हैं उन्हां नूं जल्दी रिहा किया जाए और वो अपना जीवन जिहड़ा अपने परिवारों में आ के बसर कर सकन और जिहड़ा मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा है इहनूं रोकिया जाए। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।